इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहेंगे। आज का दिन है रोड एडवेंचर, खूबसूरती और छुपी हुई जन्नत नज़ीर वादियों को एक्सप्लोर करने का। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आवर जर्नी। आज हम निकलने वाले हैं नारान से हुंजा की तरफ, एक सफ़र जो एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर होगा। सुबह की सर्दी में हमने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। बिलीव मी, कल का 18 घंटे का सफ़र सबके लिए काफ़ी थकावट बढ़ा था। हम सब की बस यही ख्वाहिश थी कि अपने बेड्स पर सोए रहें, लेकिन जोश और एक्साइटमेंट ये वो चीज़ है जो हमें फिर से सुबह उठने पर मजबूर कर रही थी। और जब आपके सामने हुंजा जैसी मंजिल हो तो आप थकन को भूल जाते हैं, राइट? बात करते हैं नारान से लुलुसर लेक तक के सफ़र की, जो हमारा पहला स्टॉप था ब्रेकफास्ट के लिए। ये नारान से 57 किलोमीटर दूर है और अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं तो ये सफ़र 1 से 2 घंटे में तय हो जाता है। आज का सफ़र वाकई में एडवेंचर से भरपूर है। सुबह की वो फ्रेश हवा, एक तरफ तेज़ दरिया का शोर और दूसरी तरफ टावरिंग माउंटेन्स, ये सब देखते ही दिल खुश हो जाता है। जिन लोगों ने नारान डे स्पेंड करना है उनके लिए जिप लाइन और राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज मौजूद है। आज का दिन 12 से 15 घंटे का सफर होगा और हर पल एक्साइटिंग होगा। जब हम इस रोड पर ड्राइव कर रहे थे तो कहीं पर रास्ता पहाड़ों के बीच से निकलता है और कभी कभार ऐसा लगता है जैसे हम क्लाउड के लेवल पर ड्राइव कर रहे हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों से देखने पर नीचे की नदियाँ और उनका पानी ऐसा लगता है कि थ्रेड एक पैटर्न बना रहा हो। इतना फैसिनेटिंग था ये नज़ारा कि हम गाड़ी को रोक कर सिर्फ इन नज़ारों को इंजॉय करना चाहते थे। हर मोड़ पर एक नया मंजर मिलता है जो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। आज के दिन का हमारा मकसद सिर्फ हुंजा पहुंचना नहीं बल्कि रास्ते का भरपूर मज़ा लेना था। और ऑनेस्टली ये सफ़र का वो हिस्सा है जहां से असली एडवेंचर शुरू होता है। लेकिन ये रोड सिर्फ खूबसूरती से भरपूर नहीं बल्कि चैलेंजेस से भी भरपूर है। शार्प अपहिल डाउनहिल सेक्शंस हैं जो स्पेशलाइज्ड ड्राइविंग स्किल्स मांगते हैं। यहाँ लो गियर में गाड़ी चलानी पड़ती है वरना ब्रेक फेल होने का खतरा है। और सोचो, एक मोमेंट में आप 10,000 फीट से ऊपर इंक्लाइन कर रहे हैं और फिर एक ही दम से 6,000 फीट नीचे तक डिसेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। रास्ते में हर मोड़ पर गाड़ी को कंट्रोल पर रखना पड़ता है और ये एड्रेनलिन रश वाकई में किसी को भी एक्साइट कर देगा। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब हम पहले इस रोड पर आए थे तो हर कॉर्नर, हर शार्प टर्न पर दिल डरता था, लेकिन ये वो थ्रिल है जो इस सफ़र को वर्थ इट बनाता है। हर पल एक नए एडवेंचर का इंतज़ार होता है। रास्ते में पहली जगह है बटाकुंडी। सोचा था कि अपने एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं और नारान ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं और लुलुसर लेक पर अपनी पहली ब्रेक लेते हैं।
सोचिए एक खूबसूरत लेक के किनारे पर सुबह का नाश्ता करना, आपको इससे बेटर स्टार्ट नहीं मिल सकता। वहाँ के नज़ारे, गर्मा गर्म पराठे तो चाय, बस ये सोच के ही एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। बटाकुंडी जो नरान के बाद एक न्यूली डेवलप एरिया है, बटाकुंडी में नए होटल्स और गेस्ट हाउस बन चुके हैं। लेकिन इस एरिया का असली चार्म उसकी नेचुरल ब्यूटी है। बटाकुंडी के बाद हम गुजरते हैं बहुत सारे मेडोज से। और उन वाटरफॉल से जो बहकर नीचे आती हैं। जलखत से हमने पहली बार रोड की वो सीरियस इंक्लाइनिंग देखने को मिलती है जो हमें बाबूसर टॉप तक ले जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बाबूसर टॉप से हुंजा तक का सफ़र कवर करेंगे। आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि हुंजा की खूबसूरती के बारे में जितना सुना है उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर रास्ते इतने स्टीप होते हैं कि गाड़ी को कंट्रोल में रखना अपनी जगह एक चैलेंज है, मगर जब आप ऐसे नज़ारे देखते हैं तो ये चैलेंजेस खुद में एक इन्जॉयमेंट बन जाते हैं। लेकिन बिफोर वी रीच बाबूसर टॉप, हमारा स्टॉप होता है लूनीसर लेक, जो सी लेवल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ का नज़ारा कोई कैमरा कैप्चर करके जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, जो फील आप यहाँ आकर ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ लो गियर में गाड़ी चलानी पड़ती है, वरना ब्रेक फेल होने का खतरा है। जलखत से हमने पहली बार रोड की वो सीरियस इंक्लाइनिंग देखने को मिलती है जो हमें बाबूसर टॉप तक ले जाती है। यहाँ पर रास्ते इतने स्टीप होते हैं कि गाड़ी को कंट्रोल में रखना अपनी जगह एक चैलेंज है, मगर जब आप ऐसे नज़ारे देखते हैं तो ये चैलेंजेस खुद में एक एंजॉयमेंट बन जाते हैं।
हमारा स्टॉप होता है लुलुसर लेक, जो सी लेवल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये लेक एक ऐसी खामोश जगह पर है जो पहाड़ों से घिरी हुई है। लुलुसर लेक की खूबसूरती ऐसी है कि आपको लगता है कि आप एक पेंटिंग में हैं। पानी इतना साफ कि नीचे तक सब दिखाई देता है। माउंटेन्स के रिफ्लेक्शंस उसके ऊपर एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हम वहाँ नाश्ते के लिए रुक गए और उस वक्त लग रहा था कि यहीं रुक कर पूरा दिन ये व्यूज देखते रहे। ये था हमारा आज का सफ़र नारान से लुलुसर लेक तक, जो एक छोटी सी जन्नत नज़ीर वादी है। इमेजिन करना आप एक खूबसूरत लेक के किनारे सराउंडेड बाय माउंटेन्स और सुबह का नाश्ता। दैट्स व्हाट आई कॉल परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द डे। लेकिन अभी एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ और आगे और भी खूबसूरत मंजर और एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बाबूसर टॉप से हुंजा तक का सफ़र कवर करेंगे, आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।